हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मनदीप स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी होने वाली है कक्षा 10 के फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और द डस्ट ऑफ स्नो के जो आपके रचयिता हैं वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों, ये जो आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोयम है, ये दो स्टेंजा में विभाजित की गई है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में कभी हमारा हमको क्या बताना चाहता है। कवि बोलता है कि द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि फर्स्ट स्टैंडा में बोलता है कि सर्दियों का दिन रहता है और मैं धीरे धीरे रास्ते से जा रहा होता हूँ, और रास्ते के जो दोनों साइड होते हैं वह हेमलॉक के वृक्ष होते हैं, और उस पर जो है बर्फ के कण जमे होते हैं। कह रहा उस पर कौवा आकर बैठता है और जिसके कारण मेरे ऊपर बर्फ के कण गिर जाते हैं। Kara has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. बोलता है कि जब बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरते हैं तो मेरा जो मूड रहता है वह परिवर्तित हो जाता है। Kara और जो दिन का बचा हुआ हिस्सा रहता है उसमें भी मैं बहुत क्रोधित रहता हूँ। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई कभी हमको समझाना क्या चाहता है, तो आइए मैं इसको अपनी भाषा में क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक स्टूडेंट लाइफ है, तो मैं आपको एक स्टूडेंट लाइफ की ही घटना बताकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ठंडियों का दिन रहता है, आप सोचते हैं कि भाई मैं अभी पढ़ूंगा, तो आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आपको लगती है ठंड, तो आप क्या करते हैं, आपका माइंड कहता है कि भाई आपको ठंड लग रही है तो चलो तुम बिस्तर में बैठ के पढ़ो। तो आप बिस्तर में बैठ के पढ़ेंगे, फिर जब बिस्तर में बैठ के पढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ी देर पश्चात आपका माइंड कहेगा कि बैठ कर नहीं भाई, थोड़ा लेट कर हम पढ़ लेते हैं। तो आप लेट कर पढ़ना शुरू करेंगे। जब लेट कर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जब लेटेंगे, जैसे 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 आपको शरीर को थोड़ी सी रेस्ट मिलेगा तो वो बोलेगा भाई अब लेट ही लिए हैं तो थोड़ा सो लेते हैं। तो आपका बट माइंड फिर बोलेगा यार सोना नहीं, पढ़ना है। तो आप सोचेंगे पढ़ें, फिर थोड़ा सा पढ़ें, कहा यार थोड़ा सा सो लेते हैं। 3 बजे उठेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, जो पढ़ाई बची हुई है उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आप क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन आप 3 बजे जहाँ उठने वाले थे, वहाँ 3 की जगह आपका 6-7 बज जाता है, आपकी मम्मी आती हैं आपको उठाती हैं। तो जब आप उठते हैं तो आपका माइंड बोला था कि थोड़ा सा सो लो, फिर 3 बजे उठ के पढ़ेंगे। अब वही माइंड आपको क्या करेगा, कोसेगा, बोलेगा इधर देखो 3 बजे उठने वाले थे और उठ ही नहीं पाए। इस प्रकार वह आपको बार बार कोसेगा और आपको खुद के ऊपर क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो इसी प्रकार जो आपका एक छोटा सा जो मूवमेंट होता है, एक छोटा सा जो पल होता है, वह आपके पूरे दिन को क्या कर देता है, क्रोधित कर देता है। तो इसी को कवि इस स्टैंजा में बता रहा था। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।